ठीक है, दो ये रिक्वेस्ट है, एक तो टाइम पे आइए कुछ दिन में आ जाएगा, और दूसरा जितना पीछे पढ़ा है ना सबको एकदम याद रखे, ध्यान रखे, ध्यान रखे, है ना। उसके बाद फिर आप आओ, जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होगा अपने फ्रेंड से पूछिए, देखिए उसको तो और डाउट होगा, अपने बैचमेट से पूछेगा वो तो उसको तो और डाउट होगा, ठीक है। हाँ हम लोग कितना नंबर प्रॉपर्टी होगा बाबू बताइए, शर्मा सौम्या कितना नंबर प्रॉपर्टी होगा बोलो ना सर, 7 नंबर का हो गया था, 8 नंबर, ठीक है। देखो आपको हम कल क्या बताए थे बाबू, क्या बताए थे कि कोई भी बाबू, अच्छा ठीक है 8 नंबर, ठीक है बाबू, कल बता रहे थे बाबू कि कोई भी अगर नंबर है सर, कोई भी नंबर है बाबू, जैसे मेरा बाबू क्या बाबू, कोई भी नंबर है जैसे 67 है, ठीक है, ठीक है। तो यदि बाबू इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, यदि इसको बाबू 3 से डिवाइड करो, ठीक है ना, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए, 60, 63, 66, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में बाबू ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं बाबू, कोई भी नंबर को बाबू 3 से अगर डिवाइड करो बाबू, ठीक है ना, ठीक है, तो रिमाइंडर या तो बाबू 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, यही दो केस आएगा। तो रिमाइंडर यदि बाबू 0 और 1 आ रहा बाबू, तो यह जो नंबर है बाबू परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि नहीं सर। अरे चेतन जैसे 900 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएंगे, 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ठीक है। तो इस केस में बाबू देखो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 900 बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, लेकिन 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 क्या 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 सर बाबू, मान लो कोई नंबर अगर 29 है, मान लो कोई नंबर है, नंबर कुछ हो सकता है 29, 31 कुछ भी हो सकता है, 32 हो सकता है ना, अगर इसको 3 से डिवाइड करो बाबू और रिमाइंडर 2 आ रहा, दोनों स्टेट में अंतर समझना बाबू, कोई भी अगर नंबर है बाबू उसको अगर 3 से डिवाइड करो और व्हाट वी गेट बाबू, इफ वी गेट द बाबू रिमाइंडर 2, रिमाइंडर बाबू 2, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा बाबू तो डेफिनेटली 100% बाबू, 100% डेफिनेटली बाबू यह जो नंबर है बाबू, दिस नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बाबू, जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि किसी नंबर को बाबू आप 0 और 1 से डिवाइड करो, 0 मतलब 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 और 0 आ रहा हो, तो उस केस में वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन लेकिन अगर कोई नंबर है बाबू उसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है और रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये नंबर बाबू डेफिनेटली 100% ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100% ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना बाबू, है ना, ठीक है सर। कल बताया था ना वो, या और इसी में क्या बताया कि अगर बाबू कोई बात समझो, एकदम शांति से सुनना, शांति से सुनना बाबू, है ना, एक एक बात को शांति से सुनना। यदि कोई इतना हो गया, अभी तक हमने आपको क्या बताया बाबू कि नंबर नंबर, अब हम आपको क्या बता रहे हो कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो क्या बाबू 900 हो गया, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, है ना, ठीक है सर, ठीक है बाबू, और क्या सर, और क्या, और बहुत सारे नंबर जैसे मान लो बाबू और कौन से हो सकते हैं, मान लो 3600 हो गया, तो ये बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको 3 से डिवाइड करोगे, उसको बाबू 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर डेफिनेटली या तो बाबू 0 आएगा या 1 आएगा, क्या आएगा सेतन मेरे, 0 आएगा, दोनों हम स्टेटमेंट जो बोले बाबू, स्टेटमेंट जो बोले बाबू उसके इसमें रिमाइंडर बाबू क्या आएंगे, 0 आएंगे या 1 आएंगे, बात समझो, बात समझो। कल भी इस बात को हम एम्फेसाइज कर रहे थे बाबू, आज भी एम्फेसाइज कर पा रहे कर रहे हैं बाबू, है ना, कि कोई भी यदि कोई नंबर है, ठीक है, हमको पता नहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो यदि कोई नंबर है, ठीक है ना बाबू, और उसको 3 से अगर डिवाइड करो और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, पहला केस ध्यान रखना है ना, हम बोल रहे हैं उसको समझो ध्यान से। दूसरा बाबू, यदि बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहले हमने क्या बोला कि कोई नंबर है, हम अभी क्या बोले कि कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है उसको बाबू यदि 3 से डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा बाबू 1 आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन यदि कोई नंबर को बाबू, बात समझो, तीनों स्टेटमेंट में आसमान जमीन का फर्क है, शांति से सुनो, यदि कोई नंबर को बाबू 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से बाबू डिवाइड कर रहे हो, 3 से बाबू डिवाइड कर रहे हो, 3 से बाबू अगर कोई नंबर है बाबू, ठीक है, तो 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो, 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो बाबू, ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बाबू, इसमें 3 से डिवाइड करो बाबू तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना सर, ठीक है, ठीक है, अरे 64 को डिवाइड करोगे तो 63 1 होगा ना रिमाइंडर, ठीक है सर। एक और लीजिए सर, मान लो 31 है बाबू, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर कोई नंबर को बाबू 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, रिमाइंडर या 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो यह जो नंबर है बाबू परफेक्ट स्क्वायर
हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता। तो अपने यहाँ 64 को 3 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन तो रिमाइंडर 1 है तो ये बाबू क्या 64 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन वही बाबू दूसरा केस लिए बाबू की नंबर क्या लिए 31 लिए, इसको 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या है 1 आया। तो लेकिन 31 क्या बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं नहीं है ना। तो ये बात को ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना है ना। ठीक है सर, ठीक है ना बाबू, समझ में आया बाबू सर शर्मा बाबू। तो नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे। हाँ बाबू इफ ए नंबर बाबू, नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे बाबू, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 बाबू, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 बाबू व्हेन डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 बाबू देन द नंबर बाबू देन द बाबू नंबर देन द नंबर बाबू देन द नंबर बाबू में कोई है क्या वेटिंग रूम में जी, देन द नंबर बाबू मे और मे नॉट मे बाबू मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है समझ में आए। हम यहाँ पे पहले क्या लिखे, कोई नंबर, नंबर कोई भी हो सकता है बाबू, ठीक है ना। अगर उसको बाबू 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 और 1 आ रहा, तो उस केस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है सर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबू 30 है, 30 को 3 से डिवाइड कर दो है ना। ठीक है सर, तो 30 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा है ना। ठीक है सर, सर आप कल तो 9 तक करवा दिए थे तो 10 से होगा। आप लोग अपने बात का क्यों कंफ्यूजन होते बाबू, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू 61 है, 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर क्या आएंगे बाबू, 1 आएंगे है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर एग्जांपल, थर्ड मान लो 900 है, 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर मान लो 225 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। फिफ्थ नंबर 49 है बाबू, कितना 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ देखो कोई भी नंबर है बाबू, कोई भी नंबर है ना, हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आया 0 आया 1 आया 0 आया। तो इसमें बहुत देखो कोई नंबर, कुछ नंबर बहुत परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ नंबर नहीं है, कुछ नंबर है, कुछ नंबर है नहीं है। तो हम लोग बहुत नंबर को देख के और 3 से डिवाइड करके ये नहीं कह सकते हैं कि जो दिया हुआ नंबर बाबू वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। रिस्का बाबू दर्शन दीजिए ना, रिस्का सतीश बाबू दर्शन दीजिए, सतीश ये बाबू 30 क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है बाबू। ये बाबू 61 भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट 900 बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका परफेक्ट, किस स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है बाबू सतीश, 900 किसका, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 30 हाँ 30 का। तो ये बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बता दो ना, तो फिर पापा ही फोन लगाते हैं। 225 किसका है बताइए सौम्या, 225 किसका बाबू, 15 हाँ 15। तो ये बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप बताओ ना 49 किसका, नहीं बताएगा तो बाबू तो समझ नहीं, 7 का ये नहीं बताते ना,
आपको बाहर नहीं पढ़ाते, बाहर कर देते सीधे, जाइए सब्जी बेचिए जाकर। ये किसका वो परफेक्ट फर्स्ट पार्ट नंबर है ना, परफेक्ट फर्स्ट पार्ट नंबर है। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो चेतन मेरे। ठीक है रिस्का बाबू कीजिए ना, दर्शन दीजिए ना। कौन कौन नहीं आ जाया? सतीश आ गया है, आज अटेंडेंस बनाते, कल तो सब आया था ना। शिवम है और प्रकाश सिंह है और शिवानी नहीं है। शिवानी बाबू, शिवम वीडियो ऑन करो। शिवम, ये शिवम बाबू नहीं सुन रहा, अटेंडेंस काट देंगे सर। शिवम भैया के नाम पे हम ही है। अच्छा आप हो, तो वो कहाँ गया? नहीं पता हमको, हम पापा के फोन से आज पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए उसका अटेंडेंस आज काटते हैं। तो वीडियो ऑन कीजिए ना, भैया का फोन से रहो तो वीडियो ऑन कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता। चलिए ठीक है बाबू, आप अंधेरे में भी रहिएगा ना तो हमको दिख जाता है ना। शिवानी देखो अंधेरे में बैठी हुई, लेकिन हमको दिख रहा, तुम क्लियर दिख रहा, मासूम सा चेहरा। जल्दी से राइट ऑन करो बाबू। बाबू दो से लेकर टेन तक के स्क्वायर का नंबर लिखे, जल्दी से लिखे। तो ऊपर तीन लाइन छोड़ के बाबू, इतना छोड़ के बाबू, इतना छोड़ के ऐसे टू से टेन तक स्क्वायर लिखे, उसमें कंसेप्ट पहले जैसे कैसे थ्री वाला में बताए थे, थ्री वाला में बताया था उसी तरह फोर वाला में कंसेप्ट है। ए रिस्का हो भी बाबू की चली गई, कॉपी किताब रख के क्लास से बाहर चल गई। रिस्का होता नहीं है कि आप लोग स्कूल में क्लास में जाते हो, बुक रख दिए, बैग रख दिए बाबू और अपना बाहर चल गए खेलने के लिए, वैसे यहाँ रिस्क का देखो सर बेल नहीं लगता है, सब लोग आते हैं क्या बाबू? क्या प्रकाश सिंह? सर बेल नहीं लगता है स्कूल में तब जाते हैं। हो गया सर, सर लिख लिया। चलिए ठीक, बहुत शैतान हो आप सर। हो गया हाँ, चलिए अच्छी बात। अब उसमें ऑब्जर्व कीजिए तो बाबू, ऑब्जर्व कीजिए, फोर के मल्टीपल में लिखने की कोशिश कीजिए। तो कल कैसे जैसे थ्री वाला में लिखे तो उसमें फोर थोड़ा अपने करोगे ना तो ज्यादा सही होगा। फोर के मल्टीपल में लिखने की कोशिश कीजिए तो जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, ऊपर भी अरेंज कर देते बाबू। सर विंडो 01 01 01 बचेगा पहले बाबू, सारे नंबर को बाबू फोर से दिया, फोर के मल्टीपल में लिखो, फोर से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर देखो क्या था, जैसे क्या था, जैसे क्या था, टू का स्क्वायर कितना होगा शैतान? फोर होगा, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। ठीक है इधर रिमाइंडर देख लेते हैं, ठीक है बाबू। थ्री का स्क्वायर कितना होगा सर? नाइन होगा, थ्री का स्क्वायर कितना होगा बाबू? नाइन होगा, टू का स्क्वायर सर फोर, थ्री का स्क्वायर सर नाइन है ना, ठीक है सर। फोर का स्क्वायर बाबू 16, फाइव का स्क्वायर बाबू 25, सिक्स का स्क्वायर बाबू 36, सेवन का स्क्वायर बाबू 49, एट का स्क्वायर बाबू 64, नाइन का स्क्वायर बाबू 81 और टेन का स्क्वायर बाबू 100। ठीक है सारे को फोर के मल्टीपल में लिखो जैसे कल लिखा था, जैसे कल लिखा था ना, जैसे कल लिखा था। अब आप लोग को इतना पढ़ा दिया बाबू, आप अपने कर सकते हो खुद काम, अपना काम अपने कर सकते हो, ठीक है सर यहाँ तक तो ठीक है। इसका लिटरेचर लिखाएंगे ऊपर बाबू, इतना क्यों छोड़े, लिटरेचर इसका लिखाएंगे क्या कहना चाहते। फोर को हम लोग के लिए क्या लिख सकते हैं सर? फोर इंटू वन है ना, ठीक है सर, ठीक है ना, जीरो भी कर दो। तो इसमें रिमाइंडर कितने? अब सारे नंबर को बाबू फोर से डिवाइड करो, सारे को बाबू फोर से डिवाइड करना, ठीक है, ठीक है सर। नाइन को क्या लिख सकते बाबू? फोर इंटू टू प्लस वन, ठीक है, रिमाइंडर कितने आएंगे? वन आएंगे। सारे को फोर से डिवाइड करो, फोर को क्या लिख सकते हो? सिक्सटीन को क्या? फोर इंटू फोर प्लस रिमाइंडर जीरो, तो कितना रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट 25 को क्या लिख सकते हो?
फोर के मल्टीपल में फोर इंटू सिक्स, फोर का मल्टीपल बाबू करने का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ फोर मतलब कोई भी नंबर है ना तो उसमें फोर का वो फैक्टर जरूर रहेगा है ना बाबू, मतलब वो उसमें वो फोर फोर का वो फैक्टर जरूर रहेगा, मतलब वो फोर से जरूर मल्टीप्लाई होगा, 25 है ना बाबू प्लस वन, ठीक है रिमाइंडर कितना आएगा वो वन आ जाएगा, फोर इंटू कितना हो जाएगा बाबू नाइन प्लस रिमाइंडर कितना जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, फोर बाबू प्लस कितना ट्वेल्व और प्लस वन 49 को आप ब्रेक करो ना तो 4 का मल्टीपल में तो बच चुका 48 प्लस 1 रिमाइंडर 1 हो गया, नेक्स्ट बाबू 4 इनटू 16 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 है ना बाबू प्लस 0, 4 इतना हो जाएगा 4 इनटू 20 अब प्लस कितना 1 रिमाइंडर 1, 100 को बाबू 4 इनटू 25 प्लस बाबू 1 प्लस 1 नहीं प्लस 0 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो यहां से हम कंक्लूजन रिमाइंडर जीरो कब बाबू जब फोर से इसको डिवाइड करोगे सारे के सारे बाबू फोर से डिवाइड करोगे तब है ना, ठीक है सर, तो रिमाइंडर में जीरो क्यों लिखा है, जीरो वन 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 कौन बोली, रिस्का बोली, रिस्का यस सर, तो कहाँ कॉपी किताब रख के कहाँ चल गए थे क्लास से बाबू, अभी से आपको हम आवाज दे रहे हैं हमारी रिश्ता सुनिए सुनिए कहाँ चली गई थी सर, हम अभी आए थे, अभी आए तो आप अभी ज्वाइन किया, आप तो टाइम पे 6 बजे ज्वाइन किया बाबू सर, हम उस समय नहीं ज्वाइन किए, हम 6 बजे आते हैं, हाँ तो 6 बजे आए बाबू तो आप तो उसी समय से हो, अभी आप पूछ रहे हैं, हम तो बहुत देर से आपको बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है, अरे बाबू ये नंबर है ना कल बताया था, बहुत ये नंबर जैसे क्या 4 है ठीक है ना, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है तो इसको किस में लिखना है, 4 के मल्टीपल में तो 9 क्या लिख सकते, 4 इंटू 2 और प्लस 1 कर दिए तो क्या हो गया 9 हो गया, जैसे बाबू 16 है तो 16 को 4 इंटू 4 तो 16 तो आ गया 4 इंटू 4 प्लस 0 कर दिए, 0 लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, जैसे 25 बाबू तो 25 को कैसे 4 के मल्टीपल 4 इंटू 6 24 हो गया, एक बचा ना 25 ये हो गया 1 हो गया, अब इधर क्या किया बाबू, इधर क्या किया इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 को तो 4 से 4 डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 9 को 4 से डिवाइड करो तो ना कितना रिमाइंडर 1 बचेगा ना, 4 4 * 2 प्लस 1 तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको 1 9 4 से डिवाइड करो 16 को तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसको करो तो 1 बचेगा, ठीक है ना, मतलब यहां से क्या करना चाह रहे हैं बाबू, यहां से क्या करना चाह रहे हैं कि देखो बाबू जो भी स्क्वायर नंबर है, जो भी बाबू क्या बाबू स्क्वायर नंबर है ठीक है ना बाबू, तो बाबू क्या है स्क्वायर नंबर है ना, ठीक है सर, ठीक है, तो जब बाबू उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो ये बाबू क्या स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये सारे के सारे क्या परफेक्ट स्क्वायर 496 है ना, तो जब इसको बाबू 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है सर नहीं तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं तो 1 आ रहा है, मतलब क्या सर ठीक है, मतलब क्या बाबू, ठीक है ना, मतलब बाबू कोई भी बाबू अगर नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर करो बाबू, उसका स्क्वायर करोगे ठीक है ना, स्क्वायर करोगे तो पहला केस हम लोग क्या लिखा सकते हैं कि बाबू कोई भी नेचुरल नंबर है, सारे का जैसे 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 7 8 9 10 11 हो गया 10 हो गया इसके बाद 11 12 13 14 अप टू 16 रहेगा ठीक है, तो जो भी बाबू ये सब नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करें बाबू स्क्वायर करें तो वो बाबू मेरा क्या आ रहा है, पहला केस क्या होगा कि वो बाबू 4 के मल्टीपल हो रहा है, क्या बाबू 4 के मल्टीपल में आ रहा है, नहीं तो 4 के मल्टीपल से क्या हो रहा है एक एक्सीड कर रहा है ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट बाबू जो भी रहा टेन रहा चाहे जो भी नंबर रहा है ना बाबू, मतलब पहला हम लोग क्या कर सकते हो कि जो भी बाबू नेचुरल नंबर है क्या 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, तो इसका अगर स्क्वायर करें बाबू, इसका स्क्वायर करें ठीक है ना, ठीक है बाबू, तो ये क्या आ रहा है इसका जो रिजल्ट आ रहा बाबू, इसका जो रिजल्ट आ रहा है या तो 4 का मल्टीपल है जैसे 4 इंटू 1 है ना बाबू, 4 का मल्टीपल है, और नहीं तो बाबू क्या 4 के मल्टीपल तो है ठीक है, उसके साथ क्या एक्सीड 1 है एक ज्यादा, इसके सिवा कुछ नहीं, देखो ना सारे के सारे क्या 4 का मल्टीपल है बाबू, और नहीं या तो एक ही ज्यादा नहीं तो एक को ज्यादा नहीं, यहाँ 0 ज्यादा मतलब इसको लिख भी सकता नहीं लिख सकता है ना बाबू, तो क्या है बाबू 4 का मल्टीपल प्लस क्या एक्सीडेड बाय 1 है ना बाबू, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन लिख सकते बाबू, एक लाइन नहीं लिख सकते बाबू, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कितना नंबर होगा 10 नंबर होगा शिवांगे, नो सर 11 तो यहाँ से नहीं लिख सकते बाबू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या क्या नेचुरल नंबर है बाबू, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बाबू, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना बाबू, ठीक है ये बाबू नेचुरल 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर उसका क्या स्क्वायर किया बाबू, है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बाबू किसका अदर देन बाबू 1,
वन नहीं ना लिए हैं, वन नहीं ना लिए बाबू, वन नहीं ना लेंगे, वन को फोर का मल्टीपल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे बाबू, अदर देन वन, अदर देन बाबू वन, वन को छोड़कर, अदर देन बाबू वन, इज बाबू आइदर, इज बाबू आइदर, क्या बाबू मल्टीपल ऑफ फोर, क्या बाबू, इज बाबू आइदर मल्टीपल ऑफ क्या बाबू मेरे, फोर, फोर का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ फोर, या बाबू क्या हो सकता है, या बाबू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है बाबू, इज बाबू आइदर मल्टीपल ऑफ फोर बाबू, या क्या हो सकता है, एक्सीड, एक्सीड्स बाबू बाय कितना, वन, एक से एक्सीड कर सकता बाबू, एक्सीड बाबू, एक्सीड ऑफ बाबू, एक्सीड बाय, एक्सीड बाय, एक्सीड बाबू, एक्सीड मल्टीपल ऑफ बाबू, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल बाय, मल्टीपल ऑफ बाबू, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ बाबू, मल्टीपल ऑफ फोर बाबू बाय वन, बाय बाबू वन, ठीक है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ठीक है बाबू, या तो बाबू जो भी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब बाबू जो भी नेचुरल नंबर है, ये क्या नेचुरल स्क्वायर किया, हाँ सर, तो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, तो ये सारे रिजल्ट को जब ऑब्जर्व करो बाबू, तो क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा, यहाँ भी फोर का मल्टीपल है सर, यहाँ भी फोर का मल्टीपल है, यहाँ भी फोर का मल्टीपल, या दूसरा केस क्या हो सकता है बाबू, फोर के मल्टीपल के साथ साथ क्या हो सकता है, एक एक्सीड कर सकता है, तो वही लिखा बाबू, आइदर मल्टीपल ऑफ फोर बाबू, या एक्सीड है बाबू मल्टीपल ऑफ फोर बाय बाबू वन, एक्सीड है मल्टीपल ऑफ बाबू फोर, फोर से मल्टीपल होकर क्या करेगा, एक एक्सीड करेगा, एक्सीड मतलब एक बढ़ जाना, लिखिए अब राइट डाउन कीजिए बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी इसका, अभी सर थोड़ा सा रुक जाइएगा, हाँ शैतान रुक गए, 11 नंबर, 12 नंबर प्रॉपर्टी, अब रिमाइंडर वाला लिखाएंगे, 12 नंबर प्रॉपर्टी रिमाइंडर वाला लिखेंगे, अभी रिमाइंडर का हमने कांसेप्ट नहीं यूज किया बाबू, इसको अभी नहीं यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे 12 नंबर में, जैसे 3 वाला में किया ना उसी तरह से यहां भी करेंगे, रिस्का दर्शन कीजिए ना, मतलब और बाकी है ना, आज इसको फिनिश कर देंगे, ज्यादा नहीं बाबू, 2-3 दो बार और करेगा, एवो पाई तो गोरियन टिप टिप, रिस्का दर्शन दीजिए ना सर, ऊपर ग्रीन कलर से क्या लिखे, ईएक्ससी, ईएक्ससी डबल ईडी, एक्सीड है बाबू, ईएक्ससी डबल ईडीएस, एक्सीड सुन बाबू, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, अभी दो स्टूडेंट काउंट चल गया बाबू, एक और इसका गया, ये बार कौन गया, बार सतीश गया होगा, यही दोनों तो मनमोजी, कितना अच्छा क्लास है, क्लास करते करते चाय पीता है, पानी पीता है, सब आप लोग को बेड पे फैसिलिटी मिलता है, फिर भी ना पढ़ते हो, फिर भी ना पढ़ते हो, हे प्रभु उठा लीजिए, उठा लीजिए, शिवांगी दर्शन दीजिएगा बाबू की हवा खाली पीजिएगा, खाली हवा पीती है, इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, अब बाबू देखो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, सारे का सारे क्या सर, परफेक्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 12 नंबर है, 12 नंबर, 12 नंबर है ना, सारे का सारे क्या बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 40, इतना 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 है ना, ठीक है बाबू, तो जब बाबू इसको आप 4 से डिवाइड किए बाबू, सारे के सारे 4 से डिवाइड किए बाबू, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है बाबू, 0 आया नहीं तो 1 आया, 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 यही है ना, इसके सिवा कोई रिमाइंडर, कोई भी नंबर वेल ना सर, तो 10 के बाद लेंगे तो सर, 10 के बाद भी लोगों तो यही फेनोमिनल होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, पूछो लेगो बाबू, उसका परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो बाबू, और जब उसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर या तो 0 आएंगे नहीं तो 1 आएंगे, 0 आएंगे नहीं तो 1 आएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा अगर दूसरा कोई आता है तो उसका दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम क्या बोल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, शांति से सुना स्टेटमेंट, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 से अगर डिवाइड करोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहले हम बोल रहे हैं कि हम क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि है, ठीक है, तो उसको अगर 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, वो 0 या 1 आएगा ना, पहले ही बोल दें बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब, फिर जब बाद में जाके कंफ्यूजन, किसी नंबर के लिए मत कर देना, हम बोल रहे हैं पहले क्या कि परफेक्ट स्क्वायर यदि नंबर है तब,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यदि 4 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या आएंगे, जीरो आएंगे, वन आएंगे, जीरो आएंगे, जीरो या आएगा या वन आएगा, ना बाबू? ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 12 नंबर क्या लिखेंगे सिद्धांत? अब परफेक्ट स्क्वायर बाबू, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, 12 नंबर क्या बाबू, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो 12 नंबर में भी यही नीचे लिखना है? हाँ बाबू, इसे हाँ यही, ये डायग्राम मत बनाना, दो दो बार मत बनाना बाबू, इसको मत बनाना, एक बार बना लेना, दोबारा इसको दोबारा मत बनाना, ठीक है ना? भद्दा लगेगा काफी, देखने में नहीं सही लगेगा, एक चीज को चार बार क्यों बनाओगे? ये जब आप रिवाइज करोगे ना तो समझ जाओगे बाबू। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू, परफेक्ट स्क्वायर बाबू नंबर लिव्स, लिव्स बाबू रिमाइंडर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर जीरो और वन बाबू, धीन बाबू डिवाइडेड बाय, धीन बाबू डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है? ठीक है सर। कहाँ था शिवम? शिवम बाबू सर टाइम था सर वो घड़ी का खराब था, हम 6 बजे उठे और यहाँ पे आके देखे तो 6:25 होता ना, आपका तो समय खराब चल रहा है तो घड़ी का टाइम नहीं खराब होगा बाबू, आपको लगेगा नहीं सर कि हम जान के लेट हुए हैं? हाँ बाबू लगवे कर एकदम प्योर लगेगा कि जान के लेट हुए। ठीक हो, अब इसी का बाबू अब बाबू हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट बाबू दोनों में समझिएगा, ठीक है ना बाबू? ठीक है, लिख देते पहले, इफ ए नंबर बाबू, इफ ए नंबर बाबू सर, हाँ सर, तब तो 3 और 4 दोनों का तो मेथड एक ही हो गया सेम। हाँ बाबू एक ही हो गया बाबू, इफ ए नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर, इफ ए बाबू, इफ ए नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर जीरो और वन, दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा अंदर समझिएगा, इफ ए बाबू नंबर लिव्स रिमाइंडर जीरो और वन व्हेन डिवाइडेड बाय फोर बाबू, व्हेन डिवाइडेड बाय बाबू फोर, देन इज बाबू नॉट नेसेसरी, या बाबू देन, देन दैट नंबर बाबू, देन बाबू दैट नंबर, देन बाबू दैट नंबर may or may not, may or may not be a perfect square, दोनों में अंतर समझेगा वो, may और बाबू may not be a perfect square, ठीक है? दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा। यस सर आ गया, 12 में बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर में हम करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और 1, और इसमें बस नंबर कोई भी नंबर ले लेंगे उसमें 0 और 1 आए। देखो 12 नंबर में क्या कर रहा हूं, यदि कोई नंबर ले रहा हूं, कोई नंबर ले रहा हूं, लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए ना सर, ठीक है सर, ले रहे सर, जैसे मान लो 16 ले लिए, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करवाओ, फिर डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है सर, तो रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, है ना बाबू? ठीक है सर, और नंबर है, और हाँ सैतान और नंबर है बाबू, मान लो 64 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत है नहीं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू मान लो 65 ले रहा हो, 65 ले रहा हो, ठीक है बाबू, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है बाबू, ठीक है, हाँ सर, है ना, हाँ बाबू, तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। फोर्थ नंबर बाबू मान लो बाबू 25 ले रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे बाबू, रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब यहां से समझो, यहां समझो अंतर बाबू, हमने 12 नंबर में क्या कहा, पहले आपको कह रहे बाबू 12 नंबर में हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया, तो स्टेटमेंट समझिए दोनों में बाबू, आपको क्या कह रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब उसको नंबर को बाबू 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा चाहे 1 आएगा, इसके बाद तीसरा कुछ नहीं आ सकता। 13 नंबर में हम क्या करें बाबू की, आपका 13 नंबर वे करें कि कोई नंबर है, बात समझो, 12 नंबर में क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 13 नंबर में क्या करें कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 60 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 25 हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बाबू,
तो जब उस नंबर को बाबू मतलब जो 30 नंबर करा कि कोई नंबर है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 12 नंबर में क्या करें कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों में अंतर बाबू समझ लो, इसीलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं। 13 में क्या करवाओ कि कोई नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो पता नहीं है, लेकिन नंबर है। तो जब जो कोई नंबर है बाबू उसको अगर 4 से अगर आप डिवाइड करें बाबू, ठीक है ना, ठीक है सर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, है ना बाबू, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आया या 1 आया। तो यह जो नंबर है बाबू यह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समझे, जैसे 60 बाबू 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, 60 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन बाबू यही नंबर बाबू अगर 64 ले ले तो 64 ले दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन यहाँ 64 क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन यही 60 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह 65 इसको अगर 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन 25 को 4 से डिवाइड रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये बाबू क्या, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।